जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका मनीष अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाएंगे सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाएंगे सभी लोग और देखेंगे आज की बेहतरीन क्लास में, उसी में एलसीएम एंड एचसीएफ में उसी के आगे कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। उसमें आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन और भी हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। सभी को जुड़ना है, क्लास को शेयर कर देंगे, सभी को गुड इवनिंग, क्लास को शेयर कर देंगे और फिर शुरू करते हैं। देखिएगा आप कुछ क्वेश्चन मतलब आपके लेवल से थोड़े ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत तो हो तो रही नहीं कि ज़्यादा टफ है आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि समझ रहे हैं तो कोऑपरेट करेंगे और उसको क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। जैसे आपके आगे रिपीटेड किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये समझ लेंगे, तो हो सकता है वो आपको यदि पहले से ही तैयार हो जाएगा तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जो आपने पहले छोटे में पढ़ लिया वो अभी तक नहीं भूले, तो इसलिए जो हो जाएगा, हो सकते हैं जो पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो आपको फ़ायदा ही करेगा, ठीक है। रहेगा उसी में से, लेकिन थोड़े एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं जो नहीं हो सकता है इसमें ना सेमेस्टर में पूछे, लेकिन आगे आपके एग्जाम में कहीं पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, अभी आपके पास समय है, ठीक है। और मैथ में है तो आपको मैथ में सब कुछ पढ़ना है धीरे धीरे, तो देखेंगे आगे। और हाँ, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, बताएंगे एक आंसर छोटा सा। 2.3 और 5 का एचसीएफ होगा, ये बताएं बताएं 2.3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, मतलब एचसीएफ का मतलब आप कैसे मासा कितना होगा, ठीक है। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मासा कितना होगा बताएंगे, 2.3 और 5 का मासा कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, बताएंगे क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर सभी संख्याएं आपकी कैसी हैं, सभी संख्याएं आपकी अभाज्य हैं, ठीक है। कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को आपको पता है, जब सभी संख्याएं आपकी अभाज्य हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, तो उनका मासा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। आप करके गुणनखंड करके भी देखेंगे तब भी एक आएगा, ठीक है। जब अभाज्य संख्याएं उनका मासा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जब जिन संख्याओं का मासा एक होता है उन्हीं संख्याओं को क्या बोल देते हैं, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, जिन संख्याओं का मासा एक हो जाता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सहभाज्य संख्याएँ बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 था, सिंपल सा ये 2 था, कोई बात नहीं 2 है, तो 2 एक गुणे 2 कर सकते थे इसके गुणनखंड। आगे दिया था 3, तीन क्या होते, एक गुणे तीन करते हैं। और 5 दिया गया था, ठीक है, तो एक गुणे 5 करते, तो इनमें सभी में देखते हैं आपका केवल एक ही इसमें ओहेनेस्ट था, ठीक है, केवल एक ही कॉमन था, तो इसका मासा क्या हो जाता था, एक हो जाता, ठीक है। तो इनका इस प्रकार से समझ लेंगे मासा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2.3। ये ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच में कोई ओहेनेस्ट नहीं है, तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। और देखेंगे आगे, जैसे दिया गया है 5 पावर 1, 5 पावर -1, 5 पावर -2, 5 पावर -3 और 5 पावर -6 का लासा ज्ञात कीजिए, बताएंगे लासा क्या हो जाए इसका, जल्दी से बताएंगे लासा क्या हो जाएगा इसमें, बताएंगे जल्दी से। तो लासा क्या हो जाएगा इसमें, 5 की पावर -1, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, क्योंकि 5 की पावर -1 है, तो इसमें देखेंगे आपको पता है कि सबसे मान अधिक देखेंगे तो इसी का आएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, आप 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब पावर 1 होती है तो मतलब उसके नीचे में बटे में लिख जाते हैं, इस प्रकार से करते रहते हैं, ठीक है। तो 1/5 है इसमें, और भी -2 है तो इसमें और भी दशमलव लग जाएंगे, ठीक है। तो 5 की पावर -1 यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यही लासा हो जाएगा 5 पावर -1, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
और आगे, हाँ आगे देखेंगे, बताएंगे। 48, 36 और 72 का मासा, ठीक है, वो भी भाग विधि से बताएंगे। अब आप कौन कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो कह रहा है भाग विधि से, ठीक है। तो आंसर देंगे इसका मासा क्या आएगा, 48, 36 और 72 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप तो ऐसे हमको दर्शा दिखा नहीं पाएंगे कि आपने भाग विधि से किया, कैसे भी किया है, ठीक है। तो आंसर बताएंगे भी, और भाग विधि आपको पता होनी चाहिए कैसे करेंगे। आप कॉपी पेन लिख के बैठे तो आप करेंगे भाग विधि से, ठीक है। तो आपको पता है भाग विधि में करने के लिए आपको क्या करना रहता है, हमेशा दो संख्याओं को देखना रहता है। जैसे 48 और 36 हैं, पहले दो संख्याओं को देखते हैं, इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है 48 36 में। आपने देखा 48 संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी है उसको क्या मान लेते हैं, भाज्य मान लेते हैं, और जो संख्या छोटी है उसको हम भाजक मान लेते हैं। 36 छोटी है, 36 को भाजक मान लिया, बड़ी संख्या 48 है, इसको भाज्य मान लिया। भाग लगाएंगे 36 से कम 36, ठीक है, एक बार जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1, ठीक है, 12 बचा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये 12 बचा है तो आप क्या करेंगे, अब इसको जो शेष पर प्राप्त हुआ इसको आप भाजक मान लेंगे, और जो पहले ये भाजक था इसको क्या करेंगे, भाज्य मान लेंगे, ठीक है। अब भाग लगाएंगे 12 3 36, आपको यहाँ पर 36 यानी आपको नीचे 0 प्राप्त हो गया। जब आपको 0 प्राप्त हो गया तो अंतिम भाजक यहाँ पर क्या हो गया, कह सकते हैं अंतिम भाजक क्या हो गया, यहाँ पर अंतिम भाजक आपका क्या हो गया, 12, क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर अंतिम भाजक क्या होगा, 12 हो गया, यही हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा, ठीक है। 12 और मतलब 48 और 36 की बात करें तो 12 HCF हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 72 भी दिया गया। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, जो 72 ये HCF आपको प्राप्त हुआ, तो 12 प्राप्त हुआ, सॉरी 12 प्राप्त हुआ और 72 का HCF निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 दिए गए हैं तो इनका अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखेंगे 12 72 में कौन सी संख्या बड़ी है, 72 बड़ी है, तो 72 को क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, और जो छोटी है उसको क्या मान लेंगे, भाजक लगाएंगे, भाग लगाएंगे। कितनी बार में चला जाएगा, 12 6 72 होता है, 6 बार में ये आपका कट जाएगा और आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 किसके द्वारा आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पर 12, अंतिम भाजक क्या हो गया, यहाँ पर 0 जिससे प्राप्त हुआ क्या हो गया, 12, अंतिम भाजक क्या है यहाँ पर आपका, 12 है। तो कह सकते हैं HCF आपका कितना आ जाएगा, HCF आपका आ जाए 12, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आप यदि भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि में सिंपल सा एक ध्यान रखना, दो संख्याएं देखनी, जैसे 3 संख्याएं देगी तो उसमें दो संख्याओं में देखना कौन सी संख्या बड़ी है, जौन सी संख्या बड़ी है उसको आप क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, जो जो संख्या छोटी है उसको भाजक मान लेते हैं। जब आपको शेषफल यहाँ पर प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसको बाद में भाजक मान लेते हैं, और जो पहले भाजक था उसको हम क्या करते हैं, भाज्य मान लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, भाज्य मान लेते हैं। बस इसी क्रम में करते रहते हैं, और जिस भाजक के द्वारा आपको 0 प्राप्त होता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। जिस भाजक द्वारा आपको 0 प्राप्त होता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, चौबीस छत्तीस और दिया गया 24 36 और 40 का LCM बताएंगे जल्दी से, 40 का LCM, ठीक है, बताएं जल्दी से 40 का LCM कितना होगा, बताएंगे जल्दी से, आप कर देंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर भी बता देंगे, आंसर देंगे और मिला लेंगे बाद में आंसर कौन सा सही होगा आपका। तो इसका LCM कितना आएगा, LCM करके दिखा दें, LCM इसका आएगा, आप कर लेंगे, ठीक है, कल हम करा चुके, चाहे करा भी दें कोई दिक्कत नहीं, करा दें। LCM वैसे इसका आएगा 360, ठीक है, 36, 2 से काटेंगे, 12 2 24, 18 3 36 और ये 20 2 40, दोबारा में कट जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 9 18 है,
ठीक है, 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 7 उतार देंगे, तो 5 10 ही तो सभी को पता है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। 5 नहीं कटेगा, 7 उतार देंगे, और 3 से काटेंगे, 1 1 1, 5 बचेगा, ठीक है, और एक बार 5 से काट देंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो बस इनका गुणा कर लेंगे, क्या आएगा, 2 2 4, 2 8, 45, 3 120, 3 360, एलसीएम कितना आपका आएगा, 360 आपको आएगा। आप चाहें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नीचे देख नहीं रहा होगा, ठीक है, आप चाहें देख सकते हैं। तो 360 जिनका आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे फिर, तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना ऐसे तो आ गया होगा, ठीक है। अब एक है देखेंगे, उसमें दिया गया है आपको व्यंजक वाले का, ठीक, किस प्रकार का व्यंजक, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दिया गया है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम होगा, ये आपको दिया गया, इसका एलसीएम बताना है। तो आपको हम बता चुके हैं, जब आप बीजीय व्यंजक का गुणनखंड द्वारा करते हैं तो उसमें क्या देखना रहता, हमेशा आपको अधिकतम घात के बारे में देखता रहता, क्या देखना रहता, अधिकतम घात, अधिकतम घात वाले को लिखते हैं। तो ये तो पता है आपको, काहे का सूत्र लिखा है, किसी को पता है ये किसका सूत्र लिखा है, आपको पता होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो ये सूत्र है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वाई टू हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, देखेंगे इसमें आगे। क्या करना रहता है, हमेशा अधिकतम घात वाले को देखना रहता है। तो देखेंगे इसमें यह दिया गया है एक्स माइनस क्यू माइनस वाई क्यू दिया, इसका सूत्र आपको पता है, कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यू माइनस बी क्यू, वैसे एलसीएम तो आपका वही हो जाता है जिसमें अधिकतम घात होती, तो उसमें घात अधिकतम क्या है, एक्स क्यू वाई क्यू है, आंसर तो आपको क्या क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्योंकि इसमें इसमें देखा आपके साथ अधिकतम घात किसमें है, इसमें एक्स पावर 2 है, इसमें वाई पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर एक्स पावर 3 है, यहाँ पर वाई पावर 3 है, ठीक है, तो इसमें घात अधिकतम है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ यदि बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिसमें आपको पता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता सूत्र। और ये पहले ऊपर से ये दिया गया है था इतना, ठीक है, ये तो पहले दिया गया है, तो इसमें देखेंगे आपका कॉमन क्या हो जाएगा, जब इनके गुणनखंड में कॉमन यही तो है, तो एचसीएफ की बात करें तो आपका यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यदि एचसीएफ की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में केवल यही कॉमन आएगा आपका, ठीक है। आगे देखेंगे,
आगे देखिए भिन्नों का लघुतम समावर्तक, ठीक है, जो भिन्नों का है उनका देख लेंगे, भिन्नों का लघुतम समावर्तक। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम जैसे आपको कोई भिन्ने दी गई हैं, ठीक है, इसमें दिया गया आपका 7/9, 14/15 कोमा दिया गया है, 7/10 का एलसीएम होगा। ठीक है, इस भिन्नों का एलसीएम पूछ दिया गया, आप देख लेंगे। ठीक है, आपका हो सकता है कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा। आप देखो मैथ पढ़ रहे हैं, देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, कोई कठिन तो है नहीं जो आप समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है और काफ़ी उपयोगी भी है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें ऐसे जब भिन्नों वाला भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना रहता है तो ये तो आपको पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को क्या, हर, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, जब एलसीएम निकालना रहता है तो एलसीएम बराबर इसमें सीधा सूत्र हो जाता है, अंशों का एलसीएम क्या कर लेते हैं, अंशों का एलसीएम, ठीक है, और हरों का एलसीएम, मतलब अंशों का आप एलसीएम निकाल लेंगे और जो हर दिए गए उनका मासा ज्ञात कर लिए। आपका इन भिन्नों तरीके का आप जो भिन्ने देंगे इनका आपको क्या पता चल जाएगा, लासा पता जाएगा। तो अंशों का जो अंश दिए गए हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। अंश आपको यहाँ पर कौन कौन से हैं, 7 है, 14 है, 7 है, इनका आप एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 7, 14, 7 में एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा। क्योंकि आपको पता है जब आपके कोई भी संख्या दी गई है या तो उसमें संख्या सबसे बड़ी वाली संख्या आपकी एलसीएम हो सकती है या बड़ी वाली संख्या की गुणज में कोई एलसीएम हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर दिया 20 है, 15 है, ठीक है, 20, 15 है तो आप बता सकते हैं 20, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखेंगे आप 20 संख्या सबसे बड़ी क्या संख्या है, 20 है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 15-20 से क्या कट जाएगा, यदि आपने बड़ी संख्या एलसीएम 20 मान ली तो क्या आपको लगता है कि 15 से 20 कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो आप देखेंगे या तो 20 का गुणज मान सकते हैं, 20 का 20 दूनी 40 यदि करेंगे, ठीक है, 40 भी 15 से नहीं कटेगा, लेकिन 20 या 60 जो होता है, क्या 60 होता है, वो 20 से भी कट जाएगा और 15 से 15 चौको 60, तो कह सकते हैं 20 और 15 का लासा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि या तो बड़ी संख्या का गुणज हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, या तो बड़ी ही संख्या हो जाएगी, तो इसमें बड़ी संख्या नहीं हो लेकिन इसकी गुणज होगी, 20 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और 14, 7 में, ठीक है, क्या एलसीएम हो जाएगा, तो 14 हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि 7 से भी 14 कट जाएगा, इससे 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, अंशों का एलसीएम निकाल लिए, बटे हरों का एलसीएम, 9 दिया गया, 15 दिया गया और 10 दिया गया। ठीक है, हर में क्या दिया गया, 9, 15, 10 दिया गया, तो आप देख लेंगे 9, 15, 10 का एलसीएम क्या होगा, 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे, यदि आप हम करके भी दिखा दें, वैसे एलसीएम इसमें किसी में कोई ओहेनिस्ट तो है नहीं, 9 होगा 3 × 3, 3 × 5 होगा, लेकिन 10 होगा 2 × 5, तो किसी में कोई ओहेनिस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाता है, जब कोई ओहेनिस्ट नहीं होता तब एलसीएम आपका क्या होता है, तब एलसीएम आपका 1 होता है। देखेंगे करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 की बार करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे क्या होंगे, 3 × 5 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 10 के करेंगे क्या होंगे, 2 × 5 होंगे। आप देख पा रहे हैं कोई इसमें ओहेनिस्ट है, जब कोई ओहेनिस्ट नहीं है तो हमेशा क्या, 1 तो आपका ओहेनिस्ट होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही 14/1 का मतलब आपका 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत हुई क्या, बस जब एलसीएम निकालने का कहे तो एलसीएम अंशों का एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एलसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हर दिए गए उनका एलसीएफ निकाल लेते हैं, अंशों का एलसीएम पूछा गया तो सबसे ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एलसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाले का एलसीएम मतलब अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एलसीएफ। बस एलसीएम 7, 14 का 7, 14, 7 का एलसीएम कितना होगा, 14 आएगा। 9, 15, 10 का एलसीएफ कितना आएगा, मास है 1 आएगा, क्योंकि देखा कोई ओहेनिस्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई ओहेनिस्ट नहीं तो 1 तो होता है, 14/1 का मतलब 14। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 14 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, बस वही सूत्र लगता है एलसीएम के लिए। और जब एलसीएफ होता है, ठीक है, जब एलसीएफ पूछेगा तो बस ऊपर वाले का मतलब अंशों का एलसीएफ निकाल लेंगे, अंशों का एलसीएफ जो पूछेगा उसी को पहले निकाल लेंगे। ठीक है,
और हर का हरों का एलसीएम। देखो इसमें एलसीएम पूछा तो अंशों का एलसीएम निकाल लिया, हरों का एलसीएम, जब एलसीएम पूछा तो अंशों का एलसीएम निकाल लिया, हरों का एलसीएम, इसी प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दो सूत्रों का उपयोग है जब भी भिन्नों का लघुतम समापवर्तक या एलसीएम भी पूछे तब आप इस प्रकार से कर पाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अंश और हर के हिसाब से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें देखेंगे अगले क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या के बारे में बताया गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 से भी कटे, 15 से कटे और 20 से, मतलब 20 से भी कट जाए। ठीक, ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहता है तब आपको क्या करना रहता है, हमेशा एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लासा आपको ज्ञात करना रहता है। तो इनका लासा निकाल लेंगे, क्या क्या दिया गया, 12 दिया गया, 15 दिया गया और 20 दिया गया। ठीक है, लासा निकाल लेंगे, दो से काटेंगे पहले, सबसे पहले किससे काटेंगे, दो से काटने की कोशिश करेंगे, दो से काटेंगे करता है, दो छंग 12, 15 नहीं कटता, सेम उतार देंगे, 20 कटता, दो ढाई 20 काट देंगे। ठीक है, दो से फिर काट के देखेंगे, दो ती 6, 15 नहीं कटता है, सेम उतार देंगे, दो पंचे 10। ठीक है, अब देख रहे हैं कोई संख्या दो से नहीं कट रही, अब क्या करेंगे, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, 15 को काटेंगे, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, सेम उतार देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, काट दें, अब देखेंगे इसमें, अब इनका सीधा गुणा करा लेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 20 या 60, क्या आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा, 60 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य हो, तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 60 संख्या हो जाएगी, जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी। ठीक, इस प्रकार से तो आपके एग्जाम में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, तब तो इस प्रकार से कर लेंगे। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या करेंगे, जैसे आपको उससे विकल्प दिए गए होंगे, 60 है, 90 है, इसके बाद इस प्रकार से दिया गया, 60, 90, 70 है, ठीक है, 80 है, इस प्रकार से मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे 12 दिया गया, इसमें 12 में देखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे, तीन से संख्या कट रही, 12 के अंकों का योग करेंगे, एक दो तीन हो जाएगा, ये संख्या तीन से कटेगी। इसमें ऐसी संख्या देखिएगा तो तीन से कटेगी, तो जब इसमें इसमें अंकों का योग करेंगे, ये 6 प्लस 0 करेंगे तो कितना, 6 रहेगा, 7 प्लस 0 करेंगे, 7 आएगा, अंकों का योग करके देखेंगे तो देखेंगे 6 ही केवल ऐसी संख्या है जो तीन से कट रही है, इसमें 12 भी कट रहा है तीन से, तो आंसर में भी कटना चाहिए। ठीक है, तब तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कभी भी आपको विकल्प में भी पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में हो जाएगा पूरा, ये आपको देखना रहता है ऑप्शन में कि ऐसी संख्या, जैसे 15 है तो 15 तीन गुणे 5, मतलब जो ऑप्शन दिए गए वो तीन से भी कटते होंगे, 5 से भी कटते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर उसमें भी निकालना रहता है, और वैसे सॉल्व करना है तो इस प्रकार से आप सॉल्व सभी लोग कर ही लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, तो छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, 60 आएगी आपकी। तो आपको मौखिक रूप से भी आपको समझना आता हो कैसे कर लेंगे, ठीक है, और वैसे भी आना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह दिया, बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी से संख्या की बात कह दिया, तो समझ जाओगे आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, मासा की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं गया, लेकिन लास्ट में ये कह रहा है शेषफल समान रहे, ये ध्यान रखना, क्या कह रहा है, शेषफल हमेशा शेषफल समान रहे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 43, 91, 183 को विभाजित करने पर हमेशा शेषफल समान दे, तो इस प्रकार में सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखेंगे 43 दिया गया, 91 इस दर लिख देंगे, 43 दिया गया है, 91
और क्या दिया गया है, 183 दिया गया। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 43 के बाद क्या दिया गया, 91 दिया। सबसे पहले क्या करें, 91 में से 43 घटा देंगे, नंबर एक, ठीक है। दूसरे नंबर क्या करेंगे, 183 दिया गया 43 के बाद, 91 में से 43 घटा देंगे। इसके बाद देखेंगे 183 में से भी क्या करेंगे, घटा देंगे 43, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 91 मतलब दूसरे अंक समझ सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करें, 91 में से 43 घटा लेंगे 183 में से, क्योंकि 43 के बाद ही तो आ रहा है 91 183, तो इसमें 91 हिस्से में से घटा दिया और 183 में से भी घटा दिया, इसमें दो में सभी में घट गया है मतलब, ठीक। इसके बाद 91 के बाद देखा आपने 183 आ रहा है, तो 183 में से 91 घटा देंगे। जब आप इनको घटा लेंगे और इन्हीं का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक। इनके बाद आ रहा है तो इन दोनों में से घटा लीजिए, जब इसके बाद देखेंगे तो 183 आ रहा, तो 183 इससे देख रहे हैं कि इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। पहले इसमें में से घटा लीजिए दोनों को, ठीक है। पहले से 43 91 183 घटा दिए 43 से, ठीक है। तो 91 में से 43 जाएगा, क्या आएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4, 48 बचेगा पहले में, ठीक है। फिर कोमा क्या बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बच जाएगा, 8 14 140 बचेगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 183 में से 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 18 में से जाएगा 92, ठीक। ये बचेगा आपको 48 140 और 92, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से घटाने हैं, जैसे 43 के बाद 91 183 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 91 में से 43 घटा लेंगे, ठीक है। इसके बाद 183 में से भी 43 घटा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 91 के बाद आपने देखा 183 है, तो 183 में से भी 91 घटा देंगे, ठीक है। 43 तो घट ही चुके हैं, तो 183 में से भी 91 घटा देते हैं। इस प्रकार से आप क्रम में याद रखेंगे कि भूल जाए किससे हटाना, तो पहले इनके ये दो बच रहे हैं, इनको घटा लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर छोड़ करके इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। तो इन 48 140 और 92 इनका एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कितना आया है देख सकते हैं, 48 140 ऊपर लिख दें, 48 प्राप्त हुआ आपको, 140 प्राप्त हुआ और 92 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको प्राप्त हुआ क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें कौन सी संख्या बढ़ी, इसमें देखेंगे 48 और आप इन दो संख्याओं को उठा लीजिए, इन दो संख्याओं को 48 और 92 को उठा सकते हैं सबसे पहले, ठीक। 48 किन्हीं संख्याओं को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं किन्हीं को ले सकते हैं, 48 और 92 को लिया आपने, तो क्या करेंगे, इन दो में कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, 92 बड़ी है, तो 92 को भाज्य मान लिया, छोटी कौन सी है, 48 छोटी है इन दोनों में। फिर क्या, 48 से भाग लगाएंगे, 48 दोनों 96 होता नहीं, एक ही बार में कटेगा, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। देखेंगे 12 में से, यहाँ से करी लेंगे, 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 4 44 बचेगा। आप क्या करेंगे, जो 44 बचा है इसी को क्या करेंगे, आप इसी को क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे, जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ उसको क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, 48 को क्या मान लेंगे, भाज, जो पहले भाजक था उसको भाज्य मान लिया। अब देखेंगे 44 से कम, 44 एक बार में जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे क्या, भाजक मान लेंगे, जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, और जो पहले भाजक था उसको क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, 44 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और काटेंगे 4 एकम 4 मतलब 11 बार में कट जाएगा 44, ठीक है। आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, जिस भाजक के द्वारा 0 प्राप्त हुआ वही आपका मासा हो जाएगा, तो मासा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि मासा कितना आएगा, 4 आएगा, और इसका भी आप तुलना करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या बचा, 4 और 140 का भी करेंगे, तो कह सकते हैं ऐसे भी आपने चेक कर लिया तब भी इतना आया, और नहीं मानते तो उसको भी देख सकते हैं, जैसे 140 यहाँ पर अंतिम भाजक क्या आया, मासा क्या आ गया, 4 आ गया, देख लिया होगा आपने, 4 आ गया, 4 लिखते हैं, ठीक है। अब 4 140 में तुलना कर लो, 4 कोमा 140 में यदि तुलना कर रहे हैं तो 140 बड़ा है तो इसको भाज्य मान लेंगे, और जो छोटा है उसको क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे। देखेंगे काटेंगे 4 3 12 कितना बचेगा, 2, ठीक है, ये 0 उतार ली। अब इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 यहाँ पर बचा है, 2 बचा। अब इसी 2 शेषफल जो बचा है, 2 आपका शेषफल बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा है इसमें, 2 शेषफल बचा हुआ। अब क्या करेंगे, काटेंगे इस 0 को उतार लेंगे, काटेंगे 4 5 20, ठीक है, आपको 0 प्राप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि 40 35 बार में काटेंगे कट जाएगा, क्योंकि 4 3 12 12 आया था, शेषफल कितना, 2 बचा था, इस 0 को उतारा 20 हो गया, फिर 4 से भाग लगा, 4 5 20 कट गया, अंतिम भाजक क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर भी अंतिम भाजक क्या आपको प्राप्त हो गया, अंतिम भाजक, भाजक है आपको क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया।
आपका एचसीएफ कह सकते हैं कितना आएगा, 4 ही आएगा। पहले भी पता चल गया था यहाँ से भी, और जब इनका भी 4 और 40 का भी निकाल लिया तब भी आपको पता चल गया। और कह रहे हैं कि 48 ये कहाँ से आया, तो इसमें सबसे पहले आपने देख लिया था यहाँ पर हमने घटा दिए थे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, 91 में से 43 घटाया था, ठीक है। फिर क्या किया था, इसके बाद बच रहा था आपका यहाँ पर 183 में से घटा दिया था 43, ठीक है। और फिर इसके बाद 183 में से क्या घटाया था, 91 घटाया था, तब आपको जाकर के ये प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी यहाँ से, इसमें घटाया था कितना आया था, 48 आया था, ठीक है। इसमें आया था 140 और इसमें कितना था आया था, 92 आया था। इनका एस सी एफ निकाल लिया था, एस सी एफ इस प्रकार से निकला था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। जब भी आपको समान के बारे में कहे कि हर सम मतलब शेषफल हमेशा समान रहे, तो इस प्रकार से करते हैं कि इसमें घटा लेते हैं, ठीक। 91 में से 43 घटा लेंगे, 183 में से भी 43, मतलब छोटी वाली संख्या से घटा लेते हैं बड़ी वाली संख्या, ठीक है। तो एस सी एफ कितना आएगा, 4 आएगा। अब तो भाग विधि से एस सी एफ निकालना सीख गए होंगे कि जो संख्या छोटी बड़ी में देख लेंगे, जो संख्या आपकी छोटी है उसको भाजक मान लेंगे और जो संख्या आपकी बड़ी है उसको भाज्य मान लेंगे। बस जैसे भाग करते हैं, भाग तो करना आते ही है, वैसे कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें, 3 संख्याओं का अनुपात 5:3:7 है तथा उसका महत्तम समांगी 13 है, तो संख्याएं बताओ, तो क्या करेंगे। जब भी अनुपात दिया जाए, ए अनुपात, बी अनुपात, सी, तो जब इनका संख्याएं वास्तविक संख्याएं पूछी जाएं, ठीक है, संख्याएं बताइए पूछा जाए, मतलब वास्तविक संख्याएं ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एस सी एफ जो दिया गया आपको, एस सी एफ गुणे ए कर लेंगे, ठीक है, गुणे ए कोमा जो संख्या आपको, एस सी एफ गुणे बी कर लेंगे, एस सी एफ गुणे बी कर लेंगे, और क्या दिया गया, एस सी एफ गुणे सी कर लेंगे। बस एस सी एफ कितना दिया गया आपको, कह रहा महत्तम समांगी 13 है, 13 गुणे ए, ए की जगह अनुपात कितना है, अनुपात कितना दिया, 5:3:7 ये 7 दिया गया, इस अनुपात में ए बी सी अनुपात में दिया गया आपको, तो कुछ नहीं कि 80 गुणे ए 80 गुणे बी 80 गुणे जो जो आपको मासा दिया गया उसके अनुपात में उसके साथ गुणा करा दें, 13:5 कर देंगे। यहाँ पर 13:3 दिया गया है, यहाँ पर 13 गुणे सी की जगह सी अनुपात क्या है, 7 है, 13:7 कर देंगे, बस 13×65 हो जाएगा, 33×39 हो जाएगा, 63×91, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्याएं होंगी आपकी क्या होंगी, 65 होगी, 39 और 91 संख्याएं होगी जिनका अनुपात 5:3:7 में दिया गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, अनुपात में ए बी सी अनुपात में दिया जाए तो कुछ नहीं करना रहता, एस सी एफ के साथ उसका उस अनुपात के साथ गुणा करा देते हैं, ठीक है। आपका आंसर आएगा 65, 39 और 91, तो आप इस प्रकार से इसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे, समझ गए होंगे। देखेंगे इसमें आप कहेंगे कि दो संख्याओं में, चौथे क्वेश्चन में कहेंगे आपकी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता, तो कोई बात नहीं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका आप आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आंसर देंगे, कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी, ठीक है। आंसर जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको पता है, सभी को याद होगा सूत्र, कोई भूला नहीं होगा मेरे हिसाब से, लासा गुणे मासा, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोई भूला है, कोई नहीं भूला होगा, संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस सूत्र के माध्यम से ऐसे संख्याओं को करते हैं जिसमें लासा मासा और एक संख्या आपको दी जाती है, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बस इस प्रकार से करते हैं, तो देखेंगे इसका आंसर देंगे। लासा मासा कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और आपको लासा कितना दिया गया है, लासा 160 दिया गया है, और आपको एक संख्या दी गई है, एक संख्या इनमें एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए x है, बिल्कुल सिंपल सा करना रहता है, 16×16 है, 16×2 32, 2 से काटा 2×16 और 0, ठीक है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। आपसे केवल कैलकुलेशन के लिए मैंने पूछा था कि आपको याद है पहला वाला कि नहीं, ठीक है, और आपके कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, किसी भी साइट को उठा कर देखेंगे आपके कंपटीशन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है, और वैसे तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि
16 से काटा दो बार में कट गया, 16 दूनी 32, इस 2 से इसको 160 काटा 80 बार में कट गया, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 80 आ गया। आप चाहे 75 करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो 75 बराबर करते हैं तो क्या हो जाता है, 160 गुणे 16। अब जब ये 75 था x के गुणे में था तो भाग में ये 32 आ जाता, ठीक। x बराबर तब भी करते, 16 एकम 16, 16 दून 32, 2 से काटते 80, तब भी x बराबर आपका क्या प्राप्त होता, 80 प्राप्त होता, चाहे आप 75 कर लेते, ठीक है। समझ गए होंगे आंसर कितना आएगा, 80 आंसर आएगा। जिनका 80 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, उनको ये सूत्र याद था, ये सूत्र आपको तो याद होना चाहिए क्योंकि लास्ट हमासा में, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएम ये क्वेश्चन होते ही ऐड, ठीक है। जब आप एलसीएम एंड एचसीएम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो जाए लगभग, ठीक है, इसी में ये खत्म हो जाएगा आज से ही, ठीक है। जो कुछ पढ़ गया इसमें, 4 घंटियाँ 4.6.8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, वे 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो वे किस समय 1:07 बजेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जैसे कोई लाइट भी होती है कि, ठीक है, क्रॉसिंग पे लाइट जो जगती हैं चौराहे पे, वे 1 सेकंड मतलब कब बंद होती हैं, जगती हैं तो कब 1:07 जगेंगी। इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, बस उसमें क्या करना रहता है, ऐसे सवालों में आपको बस एलसीएम निकालना रहता है। क्या करना रहता है, बस दिए गए इस संख्याओं का एलसीएम निकालना, 4.6.8.14, बस इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, 4.6.8.14 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा बताएंगे जल्दी से। 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 7 14, 2 1 2 3 नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, 2 2 4 7 नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, 2 से काटेंगे 1 3 नहीं कटेगा, 2 1 2 7 3 से काट देंगे, 1 3 1 3 1 7 बचा 7 से काट देंगे, 1 1 1 1 आपको 1 1 प्राप्त हो गया, कुछ नहीं इनका गुणा कर लेंगे, 2 2 4 2 8 3 24 गुणे 7, 24 गुणे 7 कर देंगे, 7 4 28 की 8 और 7 2 14, 2 14 2 16, 168 आ गया, ठीक है। कितना आपको प्राप्त होगा, 168, और क्या प्राप्त हुआ आपको, सेकंड, क्या प्राप्त हुआ, 168 सेकंड प्राप्त हुआ। जब आपको 168 सेकंड प्राप्त हुआ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जब निकाला तो कितना आया, 168 आया, गुणा कराएंगे कितना आया, 168 आएगा, 24 गुणे 7 की 168 आ गया। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट बराबर से 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक। इसको मिनट में बदल लेंगे तो क्या करेंगे, 168 भाग 60 से लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने मिनट है। तो देखेंगे 6 3 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 2 12, 2 मिनट तो ये पक्के हो जाएंगे, 120 हो जाएगा, 120 में देखेंगे कितना बचेगा, 48 बचेगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा, तो ये 48 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 2 मिनट 60 दूनी 120 तक तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा, 2 मिनट 168 में 120 तक तो आपके 2 मिनट पक्के हो जाएंगे, और बचेंगे कितने, 120 में आगे 48 बच रहे वो आपके सेकंड में हो जाएंगे, तो 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। तो आपकी घड़ी कितने बजे, 12 बजे बजना प्रारंभ की, तो 12 बजे बजना प्रारंभ की, तो अगली बात कब बजेंगे एक साथ, तो 12 बज के 2 मिनट, ठीक है, और कितने, 48 सेकेंड पर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर दोबारा एक साथ ये घड़ियाँ बजेंगी आपके, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये घंटियाँ आपकी दोबारा बज जाएंगी, ठीक है, एक साथ बज जाएंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है आपको, इन संख्याओं में एलसीएम निकालना रहता है। इसके बाद जो एलसीएम आता है उसको आपको सेकंड में प्राप्त होगा जब इसमें सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 60 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितने मिनट हुए। तो इसमें 60 दूनी 120, 2 मिनट हो गए थे और 48 और बच रहे हैं, 168 में 60 दूनी 120, 2 मिनट तो आपके पक्के हो गए और 48 और बच रहे, तो क्या हो जाएंगे, 48 जो बच रहे वो सेकंड है, 168 सेकंड है, तो 48 सेकंड बज जाएंगे। तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर एक साथ जी ये घंटियाँ आपकी बजेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, और बताएंगे आपको क्लास कैसी अच्छी लगी, कोई समस्या तो कमेंट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, मिलेंगे अगले दिन, और हाँ अगले दिन देखेंगे व्यंजक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, व्यंजक का जोड़ घटाने के बारे में पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, जो आपका दूसरा उसमें यूनिट सेकंड है उसी में पढ़ाएंगे। तो मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।